राज कलकर्णी की बैठक में लिया जाएगा, जो पेश किया जाएगा उस पर विमर्श करने के लिए प्रदेश पदाधिकारियों की बैठक बुलाई गई है, यह अहम बैठक है। नमस्कार, मेरा नाम उत्कर्ष है, आप लाइव सिटीज़ देख रहे हैं। 3 दिवसीय कार्यकारिणी की बैठक है जदयू को, देखिए जदयू की बैठक है, उससे पहले आज जो पहला दिन है यानी कि 2 तारीख को प्रदेश के पदाधिकारियों की बैठक है, जहां पर तमाम जो पदाधिकारी है वो पहुंचे हुए हैं। आप तस्वीरों में देख सकते हैं किस तरीके से प्रदेश अध्यक्ष जो है उमेश कुशवाहा वो हैं, जो MLC हैं वो वहाँ पहुँचे हुए हैं, चाहे वो संजय सिंह हो या तमाम अलग अलग MLC जो हैं अलग अलग जगहों से वो पहुँचे हुए हैं, क्योंकि 2 दिवसीय जो कार्यकारिणी की बैठक होगी आज के बाद उसमें क्या कुछ होंगे उसको लेकर तमाम चीज़ों पर चर्चा होगी। हालांकि आप देखिए किस तरीके से अपने बयान में जो प्रदेश अध्यक्ष हैं वो उमेश कुशवाहा साफ कह रहे हैं कि जो कल और परसों कार्यकारिणी की बैठक होनी है उसमें क्या कुछ मुद्दा होगा उसको लेकर आज यहां पर चर्चा हो रही है। ये तस्वीरों में आप देख सकते हैं किस तरीके से कार्यकारिणी में जो तमाम जगहों से प्रदेश से पदाधिकारी आए हुए हैं, उनके साथ प्रदेश अध्यक्ष और तमाम जो MLC हैं और जो प्रवक्ता हैं वो बैठे हुए हैं और बातें कर रहे हैं, क्योंकि ये काफ़ी ज़्यादा अहम इसलिए भी है कार्यकारिणी की बैठक, क्योंकि बाहर जो प्रदेश कार्यालय के बाद जो तस्वीरें लगी हैं उससे ये साफ हो रहा है कि आने वाले समय में क्या मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को 24 में प्रधानमंत्री के लिए प्रोजेक्ट किया जा सकता है। हालांकि इसको लेकर नीतीश कुमार ने साफ कह दिया है कि मैं PM के लिए कैंडिडेट नहीं हूँ, यानी कि मैं PM बनना नहीं चाहता हूँ, लेकिन तमाम जो उनके नेता हैं वो यही कह रहे हैं कि नीतीश कुमार जो प्रधानमंत्री बन सकते हैं, प्रधानमंत्री के योग्य हैं, उम्मीदवार भी हैं, तमाम ऐसी चीज़ें हैं जो प्रधान नीतीश कुमार में हैं जो प्रधानमंत्री बनने लायक है। क्योंकि बिहार सरकार के मंत्री श्रवण कुमार ने भी साफ कहा था कि आने वाले समय में बिहार का लाल 24 में लाल किले पर झंडा फहराएगा, उसके बाद ये तमाम चीज़ें काफ़ी ज़्यादा तेज़ हो गई थी। हालांकि राजद के तरफ से भी ये बयान आया था कि अगर नीतीश कुमार प्रधानमंत्री मटेरियल हैं तो हम लोग खुद उनका समर्थन करेंगे, लेकिन आप ये तस्वीरें दिखा रहे हैं प्रदेश कार्यालय की है और वो बड़े बड़े बोर्ड जो हैं वो आपको भी सामने नज़र आ रहे होंगे कि आश्वासन नहीं सुशासन की सरकार है। तमाम जो कार्यकारिणी की बैठक में जो मुद्दा रहेगा उसमें जो सबसे बड़ा मुद्दा यही है कि क्या नीतीश कुमार PM मटेरियल हैं, PM कैंडिडेट हैं, इन तमाम चीज़ों पर चर्चा होगी। देखिए राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में और तमाम चीज़ों पर चर्चा होती है, क्योंकि एक तरफ जहाँ बीते दिन ललन सिंह जो हैं वो साफ कह चुके थे कि हम सिर्फ छोटा सोच नहीं रखते हैं, बड़ा सोच है, हम लोग आगे की रणनीति तय कर रहे हैं कि क्या बिहार में करना है और सत्ता कैसे परिवर्तित करना है। क्योंकि सत्ता की बात कर लें तो केंद्र की सत्ता की बात हो रही थी कि किस तरीके से केंद्र की सत्ता में परिवर्तन किया जा सकता है, थर्ड फ्रंट बनाने की भी बात हो रही थी। हालांकि आप ये तस्वीरें देख रहे हैं किस तरीके से बैठक शुरू हो गई है, 3 बजे से बैठक होनी थी और ये बैठक अब शुरू भी हो गई है, अंदर की तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं। प्रदेश अध्यक्ष उमेश कुशवाहा भी मौजूद हैं, उन्होंने साफ कह दिया है कल राज कलकर्णी की बैठक में लिया जाएगा, जो पेश किया जाएगा उस पर विमर्श करने के लिए प्रदेश पदाधिकारियों की बैठक बुलाई गई है, यह अहम बैठक है और उस पर विमर्श किया जाएगा और एजेंडा जो है जो भी प्रस्ताव आएगा वो अलग से हम आप सबों को ब्रीफ करेंगे। कि जो कार्यकारिणी की बैठक होगी उससे पहले ये प्रदेश के अधिकारियों की बैठक हो रही है, इसमें तमाम चीज़ें जो हैं वो साफ़ हो जाएंगी और आने वाले समय में जो कार्यकारिणी की बैठक होगी उसमें क्या कुछ मुद्दा होगा उसको लेकर भी चर्चा की जाएगी। फिलहाल खबर में सिर्फ इतना ही, आप हमारे साथ बने रहें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द से जल्द कर लें। धन्यवाद।